नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन, कही ये बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे दिन आज मध्य प्रदेश आएंगे। मोदी ने मुरैना के पुलिस परेड ग्राउंड में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी शिव मंगल सिंह तोमर के समर्थन में सभा की। पीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी विकास विरोधी समस्या है। मुरैना के लोग जानते हैं, समस्या से एक बार पीछा छूट जाए तो उसे दूर ही रहना चाहिए। मोदी ने कहा कि जवानों को हमने खुली छूट दी है, हमने कहा है एक गोली चलती है तो 10 गोली चलनी चाहिए। सचिन पायलट की आज उज्जैन में सभा। महेश परमार के प्रचार के लिए जीतू पटवारी भी आए। गुरुवार को कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार की रैली और आम सभा है। इसमें राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा शामिल होने उज्जैन पहुंचे। उज्जैन आलोट लोकसभा के लिए कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार की इस चुनाव में ये सबसे बड़ी सभा मानी जा रही है। सभा के बाद नामांकन रैली निकालेंगे। एमपी में चौथे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन। मध्य प्रदेश में चौथे चरण की 8 लोकसभा सीटों पर नामांकन भरने का गुरुवार को आज आखिरी दिन है। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 29 को नाम वापस लिए जाएंगे। बुधवार तक 58 प्रत्याशियों की ने 83 नामांकन दाखिल किए हैं। अब तक के रुझान के मुताबिक चौथे चरण में 8 सीट पर तीसरे चरण के मुकाबले प्रत्याशियों की संख्या काफी कम रहेगी। तीसरे चरण के लिए 223 नामांकन भरे गए थे, जो अब तक के नामांकन की स्थिति में सर्वाधिक थे। 6 लोकसभा सीट पर वोटिंग का आज जिला मुख्यालयों से रवाना होगी पोलिंग पार्टी। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण की 6 लोकसभा सीट पर शुक्रवार को मतदान होना है। बुधवार की शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। इन सीटों पर मतदान के लिए मतदान दलों को गुरुवार को रवाना किया जाएगा। चाक चौबंद सुरक्षा के बीच मतदान दलों को जीपीएस लगे वाहनों से रवाना किया जाएगा। मतदान सामग्री वितरण स्थल से लेकर मतदान केंद्र पहुंचने तक सेक्टर ऑफिसर्स की मदद से आयोग पूरे दिन की रिपोर्ट लेगा। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, कांग्रेस के बांटने के षड्यंत्र का प्रधानमंत्री मोदी ने किया पर्दाफाश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विपक्ष एक के बाद एक नादानियां करते जा रहा है। कांग्रेस के बांटने के षड्यंत्र का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्दाफाश किया। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जैसा बयान दिया है, मैं उसकी निंदा करता हूं। उन्होंने सैम पित्रोदा ने अमेरिका के कानून का उदाहरण देकर कहा कि विरासत का यह कानून भारत में लगना चाहिए। यूजीपीजी कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया 1 मई से, काउंसलिंग का शेड्यूल जारी। प्रदेशभर के सरकारी और निजी कॉलेज से संचालित स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। उच्च शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया। 1 मई से स्नातक और 2 मई से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पंजीयन शुरू होंगे, जो 21 मई तक विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। इस बीच छात्र छात्राओं को दस्तावेज का सत्यापन भी करवाना है। एमपी में अगले 2 दिन बारिश का अनुमान। भोपाल, इंदौर समेत 32 जिलों में आज अलर्ट। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन 25 और 26 अप्रैल को बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के 32 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। इससे पहले बुधवार को कई जिलों में मौसम बदला रहा। भोपाल, इंदौर, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, धार, रतलाम, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, उज्जैन, शाजापुर, देवास, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, हरदा, सीहोर, विदिशा, गुना, श्योपुरकला, मुरैना, शिवपुरी, सागर, दमोह, सिवनी, छिंदवाड़ा में बारिश के आसार हैं। पीएम मोदी राहुल की स्पीच पर चुनाव आयोग का नोटिस। चुनाव आयोग ने गुरुवार को कांग्रेस और भाजपा अध्यक्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बयान पर जवाब मांगा। आयोग ने मोदी और राहुल के भाषणों के खिलाफ की गई शिकायतों पर यह नोटिस भेजा है। इन शिकायतों में आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। शिकायत में कहा गया कि ये लीडर्स धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने और उन्हें बांटने का काम कर रहे हैं। आयोग ने दोनों पार्टीज के अध्यक्ष से इस मामले में 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा। कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। सैकड़ों कांग्रेसियों ने थामा भाजपा का दामन। दूसरे चरण के मतदान को केवल कुछ ही घंटे रह गए। वहीं चुनाव के बीच भी पार्टीज में दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। जानकारी मिली कि आज इंदौर में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए हैं।
ग्वालियर चंबल संवेदनशील वोटर से होगा व्यक्तिगत संपर्क। ग्वालियर चंबल संभाग के लोकसभा चुनाव पर भारत निर्वाचन आयोग की विशेष निगाह है। ग्वालियर चंबल संवेदनशील है, दोनों संभागों में स्वतंत्र निष्पक्ष निर्विघ्न और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने को लेकर आयोग सतर्क और गंभीर है। इसलिए आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ एनएसए व जिला बदर सहित सख्त प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए, जिससे आम मतदाताओं में विश्वास कायम हो और वे निर्भीक होकर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।